हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एकदम इजी तरीके से प्लाजो ट्राउज़र पैंट कैसे सिखाना है वो सिखा रही हूँ। तो पहले ड्राफ्टिंग करते हैं। मैंने ये जो कपड़ा लिया है, यहाँ चार लेयर है, ये फोल्ड है, यहाँ दिखेगा आपको, और यहाँ डबल फोल्ड है, यानी कि दो बार फोल्ड डाला है, और यहाँ चार लेयर। और लंबाई में आपको जितना चाहिए उतना आप लंबाई ले सकते हो। तो मैंने यहाँ लंबाई 40 इंच रखा है। ये एक बेसिक ऐसा ट्राउज़र है कि आप काफ़ी सारे लोग डाल सकते हैं। लेंथ मैंने 40 इंच लिया है और ये विड्थ जो है 15 इंच लिया है। लेंथ वाइज 40 इंच है और विड्थ वाइज 15 इंच है, और यहाँ चार लेयर है और ये साइड जो है डबल फोल्ड है। ऐसे मैंने कपड़ा फैला के लिया है। अभी इसके ऊपर ड्राइंग करते हैं। 16 इंच पे मार्क करना है और ऐसे 15 इंच है। इसके बाद ये साइड से हमें 11 इंच पे मार्क करना है और ये फोक का शेप देना है। इस तरह से फोक का शेप दिया। बॉटम में 13 इंच लेना है, ये जोड़ के लेना है। यहाँ 1 इंच पे लाइन ड्रॉ करके लेना है। ये 1 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ करके लिया है। अभी कटिंग करना है। ये फैलाने के बाद जो ये ड्रॉ किया था उसके साइड में यहाँ 2 इंच लेना है और ये पॉइंट यहाँ जोड़ना है। जहाँ पहले ही ड्रॉ किया था, जहाँ 2 इंच लिया है, वहाँ ये साइड जो इनसाइड लेंथ जो है वहाँ 1 इंच पे मार्क करना है। अभी ये कटिंग करना है। ये लाइन भी कट करना है। अभी ये लाइन भी कट करना है। ये जो हमने पहले ड्रॉ किया था वो छोटा हिस्सा जो है वो फ्रंट है और ये बैक है। अभी बैक को साइड करते हैं और इसको पॉकेट निकालते हैं। पॉकेट के लिए ऐसे चार लेयर है। ये मैं 15 इंच ले रही हूँ और यहाँ 6 इंच लेना है। ये आप लेंथ में थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो फोल्ड साइड है वो अंदर की साइड करके इसके ऊपर रखना है और सिर्फ इसमें 2 लेयर जो है उसके ऊपर ही कटिंग करना है, 2 इंच और 6 इंच। इसके बाद यहाँ से कर्व करना है। जो पॉकेट के लिए मैंने कटिंग किया था इसके 2 लेयर ही लेना है, तो ये ऐसे हो जाएगा और कटिंग करना है। ऐसे रख के स्टिच करना है, यहाँ ऐसे स्टिच करना है। ऐसे स्टिच करते हैं। अभी स्टिचिंग देखते हैं। ये जो पिनअप किया है वो पहले सिल के लेते हैं। यहाँ कर्व्स देते हैं, पट्टी करके टॉप सिलाई देना है। यहाँ एकदम अच्छे से बिछा के लेते हैं और ये सिलाई दे के लेते हैं। यहाँ सिलाई दिया। अभी जो ये पॉकेट है, पॉकेट का ये नीचे का सिलाई देंगे। इसको इस तरह से टर्न करके यहाँ भी स्टिचिंग करके लेते हैं। ऐसे ही दूसरा साइड भी बना के लेते हैं। अभी ये जो बैक पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे और ये जो साइड का सिलाई है वो देंगे। यहाँ भी टॉप सिलाई देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का भी करके लेते हैं। अभी ये फ्रंट का फोक जोड़ेंगे और ये बैक का फोक भी जोड़ के लेंगे। वैसे सिल के लिया है दोनों साइड। अभी ये ऊपर का जो पार्ट है ऐसा 1/2 इंच फोल्ड डाल के लेंगे। अभी इसमें इलास्टिक डालेंगे। इसका पहले बेल्ट तैयार करके लेना है। इसके
चार्ट से एंटर करके लेना है। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो ये फोल्ड डालने की जरूरत नहीं है। अभी इधर मेरे पास ओवरलॉक मशीन नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ 5 इंच का फोल्ड डाला है। ये जो है बराबर ऐसे लगाना है, तो ये धागा ना निकले करके मैंने यहाँ 5 इंच का सिलाई दिया है। ये ऐसे 4 पॉइंट लगा के लिया है, अभी ये खींचेंगे इतना ये बनेगा। अभी खींच के हमें इधर सिलाई देनी है। इलास्टिक बेल्ट लगा के तैयार है। अभी इनसाइड जो लेंथ है वो सिल के लेंगे, ऐसे पूरा सिल के लेंगे दोनों पैर का। इनसाइड लेंथ की जो सिलाई है वो करके लिया है। अभी नीचे का जो बॉटम है वो स्टिच करके लेंगे, इसको भी ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे ही दूसरे पैर का भी फोल्ड करके लेना है। ये पॉकेट है, इस तरह से ये ट्राउजर प्लाजो तैयार हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।